goes till I get up. सो हेलो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज का वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास जो फाइटर फिश का बेबी का टैंक था यहाँ पे है, ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ बाद में। तो उस टैंक का पानी जो है पूरा चेंज करूँगा क्योंकि अभी विंटर का टाइम है, तो इस पानी का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से भी कम है, तो आप लोग समझ सकते हो। फिर भी फिश जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इस टैंक को मैं उस साइड में लेके जाने वाला हूँ, धूप के साइड में, क्योंकि वहाँ पे धूप गिरता है तो फिशेस का हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ इस टैंक में बेटा फिश का फ्राई के साथ मैं छोड़ने वाला हूँ गप्पीस का फ्राई को, क्योंकि बेटस का फ्राई बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और गप्पीस का फ्राई का भी साइज़ बहुत अच्छा है। तो एक टैंक में छोड़ेंगे गाइस, और उसके साथ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी गोल्डफिश मैं कभी छत पे नहीं रखा हूँ, गोल्डफिश को मैं दूसरी जगह पे रखा हूँ, तो कहाँ पे रखा हूँ गाइस वो भी दिखाऊंगा। तो देखते रहो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, तो आप लोग देखिए कैसे गप्पी का फ्राई को आप लोग केयर करेंगे, क्या खाना खिलाना चाहिए और कैसे आप लोग इसका जल्दी ग्रोथ कर पाओगे, सब दिखाऊंगा गाइस, तो देखते रहे वीडियो। सो गाइस, ये है मेरा बेटा फिश का टैंक और देख पा रहे हो प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रीन कलर का और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। और बेटा के फिश का फ्राई आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा बेटा फिश का फ्राई, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा फ्राई है यहाँ पे, टोटल 15-20 फ्राई हो जाएगा मेरे को जो लगता है। और बगल में है इसका जहाँ पे मेरा गोरा मिस था, ठीक है, तो और गोल्ड फिशेस भी था, इनको तो हटा दिया गोल्ड फिश को। तो ये इस टैंक को भी मैं देख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा प्लान था, निकाल लिया उस सबको, ठीक है। और इसका बारे में भी चेंज कर, मैं सोचा कि दोनों को एक साथ में उस साइड में लेके जाने वाला गाइस। तो चलिए पहले इसका जो पानी है इसको निकालते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं। फिशेस को तो मैं पकड़ रहा हूँ, तो पकड़ लेते गाइस, उसको आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस इस टैंक का पानी निकालने में मेरा हालत ख़राब हो गया, ठीक है, क्योंकि साइफन पाइप में भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा है कि साइफन पाइप भी अटक जा रहा है, मतलब गंदगी जो है साइफन पाइप में अटक जा रहा है। तो उसके साथ मैंने देख पा रहा हूँ ये जो टैंक है, इस टैंक का नीचे में जितना भी गंदगी था सभी को मैं अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ, लेकिन इस पानी को मैं अभी स्टोर करके लेके जाना पड़ेगा उस साइड में, क्योंकि ये पानी बहुत अच्छा है। तो इसको यहाँ से मैं 50% इस टैंक में दूंगा और 50% मैं इसमें रखूँगा और नया पानी ऐड करूँगा, तो फिशेस जो है नहीं मरेगा, तो इसके वजह से। और यहाँ पे कुछ फिशेस भी मैं पकड़ लिया हूँ, क्योंकि ये वाइल्ड मतलब जो फिश है उसका सेटअप था ये वाला। तो आप लोग यहाँ पे अभी अच्छे से दिखाई नहीं देगा, फिर भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एक सेकंड गाइस। हाँ, ये देख पा रहे हो यहाँ पे बर्ब है, उसके साथ जो डॉर्फ गोरामी है और उसका फीमेल भी है, मेल भी है, ठीक है, और उसके साथ कुछ लोच भी है, देख पा रहे हो आप लोग। पैटर्न जो है थोड़ा सा अभी फेड हो गया है कलर, लेकिन जब फिर से सेटअप में छोड़ूंगा तो पूरा कलर जो है डार्क हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी के लिए मैं इनको यहाँ पे रख दूंगा और अभी पूरा पानी चेंज कर लेता हूँ दोनों टैंक का, इस टैंक का भी और इस टैंक का जो पानी है इसको भी स्टोर करके उस साइड में लेके जाता हूँ गाइस, उसके बाद दिखाता हूँ। क्योंकि इस काम को करते हुए मेरे को करीब आप लोग समझ लीजिए 30 मिनट लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए गाइस, काम कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता है। गाइस बहुत मेहनत के बाद फाइनली मैंने इसको यहाँ पे लेके आया, और पानी जो देख पा रहे हो थोड़ा सा पुराना पानी यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है, तो करीब 10 लीटर पुराना पानी है और अभी मैं 20 लीटर नया पानी ऐड करने वाला हूँ इस टैंक में, ठीक है। और उसके साथ आप लोग बेटा का फ्राई, कुछ फ्राई यहाँ पे है और भी बहुत सारा फ्राई इस टैंक में ही है, मैं पकड़ नहीं पाया उनको, तो आप लोग अभी देखिए फ्राई को, ये देख पा रहे हो यह है एक बेटा का फ्राई, थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा गाइस, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए यह है बेटा का फ्राई और टोटल 4 पीस यहाँ पे है और भी बहुत सारा फ्राई इस टैंक में है। तो आप लोग कुछ टिप्स दे देता हूँ गाइस, पहले इस यहाँ पे जो गप्पीस का फ्राई है उनको छोड़ता हूँ, पहले पानी भरता हूँ उसका फ्राई को छोड़ता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बोलता हूँ कैसे आप लोगों को फ्राई को जो है जल्दी जल्दी ग्रो कर पाओगे। और उसके साथ इस विंटर में विदाउट हीटर, विदाउट पावर फिल्टर, विदाउट ऑक्सीजन पंप आप लोग गप्पी का फ्राई को बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे और आपका गप्पी का फ्राई भी बिल्कुल नहीं मरेगा। तो आप लोग देखते रहोगे इस वीडियो को और आप लोगों को गोल्डफिश का जो अपडेट है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो पहले चलेगा इसमें पानी दे देता हूँ। अभी आप लोगों को मेन जो काम है गप्पी का फ्राई जो वो पकड़ना, लेकिन इस पर यहाँ पे आप लोग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। और यहाँ पे जो फ्राई से आप लोग को हाथ में अगर दिखाऊंगा, ये देख पा रहे हो, ठीक है, इन लोग का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो करीब 1 मंथ से 1.5 मंथ भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इनका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अभी मैं यहाँ से पकड़ के इन सभी को उस वाले टैंक में छोड़ूंगा, क्योंकि इसका जो स्पेस है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो जल्दी ग्रो होगा। तो इसका वजह से अभी चलेगा इस, पहले इससे यहाँ से पानी जो है उसको उठा लेता हूँ और पानी उठाने के बाद बेबी फिशेस को उठाऊँगा। कुछ फ्राई छोटा भी है जैसे कि देख पा रहे हो, लेकिन इनको अगर वहाँ पे छोड़ूंगा और अच्छे से केयर करूँगा तो जल्दी ग्रो होगा। और अभी चलेगा इसको पकड़ लेते हो, उसका आप लोगों को बोलता हूँ कि कैसे आप लोग कप्पी और मॉली या फिर
प्लेटिस कोई भी वैरायटी का फिश हो जाए, ठीक है, उनका ग्रोथ जो है जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो चलिए गाइस पकड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल जो है 100 से भी ऊपर है। मैंने कल काउंट किया था, ठीक है, कल नहीं, जब मैं इसका लास्ट बार वाटर चेंज किया था तब मैं इसको काउंट किया था, तो यहाँ पे 100 से भी ऊपर है, 110 के करीब था, ठीक है। तो देख पा रहे हो इनका जो साइज़ है, आप लोगों को थोड़ा सा जो मेल है जिनका कलर जो है बहुत अच्छा है तो उनको उठा के दिखाता हूँ। गाइस देख पा रहे हो ये मेरा सभी फिश मेरा होमबीट का, लेकिन ये देखो है ये मेल है। चलिए अभी ये सब फिशेस को रिलीज करता है ये वाला टैंक में। तो पानी तो और थोड़ा सा देना है तो दे देता हूँ, और प्लांट जो है प्लांट को दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे है जो प्लांट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये तो उस टैंक में ही था तो इनको भी मैं देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस पहले पानी भर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता है। सो फ्रेंड्स, पानी भरना हो गया है और अभी मैं जितने भी प्लांट है इनको टैंक में देने वाला हूँ। आप लोगों को अगर गाइस प्लांट रिलेटेड वीडियो चाहिए कि कौन सा प्लांट जो है बहुत ईजिली आप लोग ग्रो कर पाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग अच्छे से सेटअप करके रख देंगे तो हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ये टॉप 10 इजी केयर प्लांट, ठीक है, इजीली आप लोग केयर कर पाओगे उस प्लांट को। तो चलिए गाइस एक एक करके मैं देता हूँ, और आप लोगों को अगर उस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वाला वीडियो जल्दी से बना दूंगा, ठीक है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ सभी प्लांट को मैं अभी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा धीरे करना है क्योंकि मिट्टी है, तो ज़्यादा ज़ोर से अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं धीरे से कर रहा हूँ। और ये जो प्लांट है ये तो मेरा होम ब्रीड का प्लांट है, मतलब सभी प्लांट ही मेरा घर में ग्रो हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाहर से मैं लेके आया, थोड़ा सा मैं लेके आया था वहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कैसे मैं केयर करता हूँ सब बोल दूँगा गाइस, अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो। और अभी काम है इतना सारा जो मॉलिस आप लोग और गप्पीस देख रहे हो इन सभी को वाटर टेम्परेचर मैच होने के लिए करीब 15 से 20 मिनट रख दूंगा, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो थोड़ी देर रख देता हूँ, और अभी इस टाइम पे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि कैसे आप लोग इसका केयर करना है। गाइस देख सकते हो बेटा फिश का जो फ्राई है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए मैं बर्तन में जो है उठा लिया हूँ, और एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा है, डबल चार गुना साइज़ का बड़ा हो गया है। ये रीज़न क्या है ये भी आप लोगों को बोल देता हूँ। तो क्योंकि गाइस जब बेटा फिश का फ्राई, इनको अभी रिलीज़ करता हूँ आप लोगों को बोलता हूँ, बेटा फिश का जो फ्राई है जिसको ज़्यादा खाना मिलता है गाइस वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है आपका अगर एक बैच का फ्राई हो फिर भी ऐसा आप लोगों को बहुत होगा, जैसे गप्पी में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ फ्राई जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और कुछ फ्राई बहुत छोटा है, हो सकता है कोई कोई फ्राई एक ही बैच का होगा फिर भी ऐसा होता है। इसका मेन कारण है कुछ कुछ फिशेज़ को आपका जो क्या होगा ज़्यादा खाना मिल जाता है तो वो जल्दी ग्रो हो जाए, लेकिन जो बाकी रहता है उनको खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, कम मिलता है, तो इसके वजह से वो ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही रीज़न था, लेकिन मैं खाना ज़्यादा करके देता हूँ फिर भी ये होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो गप्पी का फ्राई, और इनका अगर फूड की बात करें गाइस, पहला बात आता है फूड, एक एक पॉइंट करके बात करेंगे। पहले आता है फूड, तो फूड आप लोगों को दिखाते हो कौन सा फूड आप लोगों को देता है देना है, मतलब मैं तो खुद वही फूड देता हूँ, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी वही वाला फूड दो। और मेरा सेटअप दिखाते हुए आप लोग दिखाता हूँ कि मेरा जो ये फिशेस है देख पा रहे हो कितना ज़्यादा एक्टिव है, ये सभी को मैं एक ही फूड देता हूँ सेम फूड। और मेरा तो प्लेटिनम बच्चा भी दिया था, आप लोगों को शॉर्ट्स में दिखाया था, अगर नहीं देखो देख लेना। और यहाँ पे मॉलिस है, थोड़ा सा डर रहा है, लेकिन ये लोग भी वही फूड खाता है देख पा रहे हो। तो चलिए गाइस फूड दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला जो खाना आप लोग देख रहे हो इसको मैं होममेड, मतलब मैं खुद बनाया हूँ, होममेड फूड है, ठीक है। और ये वाला खाना जब मैं मेरा फिशेस को खिलाता हूँ बहुत जल्दी गप्पीस का फ्राई हो, चाहे वो मॉलिस का फ्राई हो, चाहे वो किसी भी मछली का फ्राई हो, बहुत जल्दी बेटास का फ्राई हो, सब ग्रो होता है। तो मैं थोड़ा सा इस ये वाला खाना को मेरा फिशेस को देकर दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। चलिए तो मैं खाना ले लिया हूँ, और अभी मैं प्लेटिस के यहाँ पे देने वाला हूँ, देखना सिर्फ दे दिया, और सभी फिश जल्दी जल्दी आ गए हैं, देखो कैसे खा रहे हैं। और यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे भी खाएगा, लेकिन ये लोग थोड़ा सा भी डर रहे हैं, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि डर गया किसी कारण से, तो इसके वजह से ये लोग अभी नहीं खाएगा, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे खासे खाते हैं क्योंकि इसका ब्रीडिंग जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिलता है गाइस। एक बार फिर भी खाने के लिए ऊपर आ गए सब, और यहाँ पे तो बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये सब फिशेस को मैं यही वाला खाना देता हूँ। अगर आप लोग इस खाने का वीडियो देखना चाहते हो गाइस, मैं पिन कमेंट पे लिंक दे दूँगा, आप लोग देख लो, और बहुत बार दिया हो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्योंकि पिन कमेंट में बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि लिंक जो है काम नहीं करता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग देख लेना। और सेकंड में आता है गाइस, आप लोग विंटर में कैसे आपका फिश को केयर कर पाओगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को यही वाला आता है कि भाई आप कैसे विंटर में विदाउट हीटर विदाउट एयर पंप कैसे आपका फिश को आउटडोर में इतना अच्छे से रखते हो। तो इसका जो रीज़न है गाइस आपको मैं बोल देता हूँ,
क्योंकि मेरा फिश सेटअप जो है पूरा आउटडोर में देख पा रहा हूँ। सुबह में जो सनलाइट होता है डायरेक्ट गिरता है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सुबह के टाइम पे सेटअप को जो है इसका जो ढक्कन है ये वाला थर्मोकॉल का ढक्कन, इसको मैं खोल देता हूँ। और सुबह में बहुत ज़्यादा पानी जो है, बहुत नहीं बोल सकता, करीब 28 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन शाम के टाइम पे इस टाइम पे वीडियो कर रहा हूँ इसके वजह से खुला हुआ है। अभी करीब 4-5 बज गए, ठीक है 4 बज गए, तो इस टाइम पे मैं इसको ढक दूंगा क्योंकि अभी धूप नहीं है, तो इस सेटअप को जो है सबको ढक दूंगा। तो क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो निकल नहीं पाता है थर्मोकोल के ये वाला ढक्कन जो है, इससे मैं ऐसे करके ढक देता हूँ, तो इसका जो अंदर में टेम्परेचर है, हीट है, वो निकल नहीं पाता है। और सुबह तक पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो अगर आप लोग ऐसे इसको फॉलो करते रहोगे रेगुलर, तो आपका फिश टैंक का जो पानी है गर्म नहीं होगा, मतलब ठंडा नहीं होगा, और फिशेस का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या टेम्परेचर का बात। अभी आता है गाइस थर्ड पॉइंट, गप्पी फिश रिलेटेड और मोली फिश या फिर प्लेटी फिश सब रिलेटेड, ग्रोथ। आप लोग मैं कैसे ग्रोथ करवाता हूँ, मतलब आप लोग कैसे ग्रो कर पाओगे आपका फिश गप्पी का जो फ्राई है जल्दी जल्दी ग्रो कर पाओगे। करीब समझ लीजिए एक मंथ के अंदर इन लोगों का साइज़ जो है इतना साइज़ का हो जाएगा, ठीक है 1 इंच का हो जाएगा। तो कैसे कर पाओगे ये भी बोल देता हूँ आप लोगों को जो है गाइस, हफ्ते में एक दिन करके, ज़्यादा नहीं बोल रहा, हफ्ते में एक दिन करके आप लोगों को नीचे में जितना भी गंदगी है, अभी तो नहीं है, जब गंदगी है देख पा रहे हो इस टैंक में है, मैं हर हफ्ते में एक दिन करके हर बार साइफोन कर देता हूँ। सिर्फ आप लोगों को साइफोन कर देना है, 20% से 30% पानी निकाल देना है हफ्ते में एक बार, और नया पानी दे देना है। आपका फिश का ग्रोथ देखना आप लोग, एक मंथ बाद आके मेरे को बोलना कि भाई आपका फिश का ग्रोथ कैसा हो, आप लोग कमेंट करना, आप लोग खुद बोलोगे कि भाई हाँ बहुत अच्छा टिप्स था ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना है कि एक हफ्ते में एक बार करके नीचे में जितना भी गंदगी है साइफोन कर देना है, और दिन में 3 बार करके खाना देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट पे मत दो कि ऐसा खाना दो करीब ये लोग 1.5 से 2 मिनट में अंदर ख़त्म कर दे, ठीक है। ऐसा करके 3 बार खाना दो, सिर्फ आप लोग ये चीज़ फॉलो करते रहो गाइस, आप लोग देखना रिजल्ट कैसा होता है। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये 3 टिप्स आप लोग फॉलो करिए, विंटर में आपका फिश नहीं मरेगा, मैं बोल रहा हूँ। तो यही था वीडियो गाइस आज के लिए। अभी चलिए ये जो फिशेस है इनको रिलीज़ करते हैं। गाइस अभी मैं इनको रिलीज़ कर रहा हूँ बहुत धीरे धीरे, और आप लोग देखना कि जो फिशेस है ना इन लोगों का ग्रोथ देखना। उस टैंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फिश हो गया था टैंक के मुताबिक, और क्लीन जो है हफ्ते में 2 बार करके मेरे को करना पड़ रहा था, तो इसका वजह से इस टैंक में मैं छोड़ दिया हूँ। और देख पा रहे हो फिशेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से घूम रहा है, क्योंकि ये इनका टेम्परेचर जो है वाटर का करीब 20 मिनट तक मैं रख दिया था, और वाटर टेम्परेचर को अच्छे से मैच कर दिया हूँ। और इस टैंक में गाइस मेरा चॉकलेट मोली, जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, और पानी भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है, तो ग्रीन वाटर में ये लोग अच्छे से रह जाएगा इस ठंडी में, तो इसके वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। और प्लेटी का अगर आप तो देख सकते हो कितना ज़्यादा लोडेड है फिशेस, ये वाला भी लोड है, रेड कलर का वाला एक है, उसने लगता है मेरे को बेबी दे दिया है उसने ऑलरेडी, ये वाला है देख पा लो, इसने ऑलरेडी लगता है मेरे को बेबी दे दिया है, लेकिन पता नहीं किसका बेबी था, 7-8 पीस मेरे को मिला था और रेड कलर का अंदर था। तो यही था गाइस आज का अपडेट। अभी चलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं गोल्डफिश का अपडेट दे देता हूँ, उसका वीडियो का अभी एंड करेंगे। चलिए गाइस दिखाता है गोल्डफिश का। एक चीज़ बोलना मैं भूल गया आप लोगों को, जो ये वाला टैंक है ना बहुत ज़्यादा गंदा है गाइस, अभी क्लीन करना पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं कल या परसों दो तीन दिन के अंदर क्लीन कर लूँगा, और इसका भी नया सेटअप करने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा फिश मैं रखूँ, आप लोग ये वाला बताओ। मैं सोच रहा हूँ इसमें गप्पी का जो है सेपरेटली एक सेटअप करूँ, ब्रीडिंग सेटअप इसके अंदर, क्योंकि मेरा घर का बेबी भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और 7-8 पीस मेरे पास गप्पीस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर गप्पीस का सेटअप करूँ। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताओ गाइस कि कौन सा सेटअप मैं करूँ इस टैंक में, ठीक है। अभी चलिए दिखाते हैं गोल्ड फिश को। सो गाइस आप लोग देख पा रहे हो जितना भी गोल्ड फिशेस है सभी को मैं एक्वेरियम पे छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, तो मैं सोचा कि इनको थोड़ा अच्छे से ग्रो कर लेता हूँ, उसके बाद इनको ब्रीडिंग कराऊंगा, क्योंकि गाइस अभी इन लोगों का जो साइज़ है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ब्रीडिंग कर पाएगा, ठीक है मेरे को जो लगता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं ग्रो करूँगा, उसके बाद इनका ब्रीडिंग कराऊँगा। तो आप लोग क्या चाहते हो गाइस, इसका साइज़ जो है जितना साइज़ का है आप लोग देख लो, इसका डबल साइज़ कर दूंगा मैं सिर्फ 1.5 मंथ के अंदर। तो कैसे करने वाला हूँ गाइस, कैसे मैं ये सब फिशेस का ग्रो करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अगर आप लोग गाइस देखना चाहते हो, देखो पीछे एंजल है, तो अगर गाइस आप लोग को देखना चाहते हो कि गोल्ड फिश का केयर कैसे करना है विंटर में, मैं तो हीटर यूज़ नहीं करूँगा, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मेरा हीटर पीछे लगा हुआ है लेकिन मैं कभी भी यूज़ नहीं करता हीटर को, विदाउट हीटर रहता है इस टैंक में। और कैसे आप लोग गोल्ड फिश को बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे अगर देखना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करो, 10 से 15 बंदे अगर कमेंट करोगे तो पक्का मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। और कैसा लग रहा है गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ। अभी चलिए इनको थोड़ा सा खाना देते हैं।
गाइस नॉर्मल वाला जो फिश फूड होता है पैलेट उसको मैं ले लिया हूँ, अभी ये सब भुक्कट जो है ना इनको देता है। चलिए गाइस देख पा रहे हो खाना देते ही ये लोग सब ऊपर आ जाएगा। दे दिया गाइस और देखिए कैसे खा रहे हैं। देखो ये होता है गोल्डफिश। गोल्डफिश में मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये वाला चीज़, इन लोग जैसे खाता है ना वो इनका खाना देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और एंजल देख पा रहे हो नीचे की तरफ ही है, पता नहीं क्यों ये लोग थोड़ा सा अभी भी बहुत ज़्यादा डरता है, तो कोई ना सेट हो जाएगा। और नया एक्वेरियम आने वाला गाइस 2 फीट का आज मैं लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि उसमें कौन सा फिश रखूँ मैं। तो मतलब उसका सेटअप कैसे करूँ, प्लांटेड करूँ या नॉर्मल करूँ, क्योंकि मेरा जो फिशेस है ना यहाँ पे बहुत सारे फिशेस ऑलरेडी था, ब्लैक एंजल था, जेब्रा था, उनको मैं नीचे इसमें रख दे टब में कुछ दिन के लिए, क्योंकि एक साथ अगर रखूँगा तो प्रॉब्लम हो सकता है कि गोल्डफिश को अटैक करे, या फिर गंदगी भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेरा नीचे देख सकते हो बॉटम पूरा क्लीन है, ठीक है, स्टोन नहीं दिया हूँ। तो अगर गाइस आप लोग किसी भी टॉपिक में आप लोग अपडेट पाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करिए। सो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही था, आप लोग देख पा रहे हो पीछे फिशेस को कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जब मैं हाथ ऊपर देता हूँ सब ऊपर आ जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और ये एक्वेरियम आप लोग कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो गाइस, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा नहीं लगे गाइस तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं और एक वीडियो में गाइस, टाटा।